नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली मतलब आई? जी हाँ। स्विमिंग पूल कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। तब तो आपको तैरना बहुत अच्छे जानती होंगी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? तो अच्छा ये बताइए आपको कौन सा गेम पसंद है? टेनिस। ओह लकी। आपका भी यही फेवरेट गेम है? मेरा नहीं, मेरे दोस्त का। हेलो दीपक। हेलो पार्टनर। ये मेरे दोस्त है, भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया। नाचता तो कमाल है और गाने में तो ऐसे सुर लगाता है कि पूछो मत। टाइम मारने में तो एक्सपर्ट है लेकिन टेनिस खेलने में जवाब। सपन, अरे ओ सपन बचाओ। अरे सपन जल्दी आओ, जल्दी आओ। गिरना मुझे चाहिए था और गिर गई आप। ये क्या हरकत? हरकत में बरकत है। उसके गिरने में तो ऊपर वाले का हाथ है। ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का। वो गिरी नहीं, गिराई गई। तू तो क्या देख रहा था यार? मैं देख रही, मैं तुम्हें खुद जानता हूँ। अरे ये क्या हुआ? पानी में गिर गई थी कैसे? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। दोस्ती कहाँ पैदा कर रहा हूँ प्यारे? चाहता हूँ कि तेरी रूखी पीछी जिंदगी में कुछ बाहर आ जाए। बेटे ये तैरना भूल जाएगा, रोना सीख जाएगा। जी रास्ते पर चलना भूल जाऊंगा। तुम्हारी बेखूफी मुझे एक दिन बेमौत मार देगी। बरखुदार प्यार तरकीबों से नहीं किया जाता। अच्छा वो दिन लग गए जब मोहब्बत हो जाती थी, अब तो मोहब्बत की जाती है और बल्कि कराई भी जा सकती है। अच्छा देख लेना, एक दिन इसी से मोहब्बत करवा के छोड़ूंगा। ये प्रसाद जी क्या खबर है? जी खबर ये है कि अनाथ आश्रम तैयार हो गया। अच्छा वेरी गुड। ताजा खबर ये है कि आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैं? जी हाँ। जी नहीं, मुझे खबर जी बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो रहा है? अनाथ आश्रम की दीवारें तो आप ही के सहारे खड़ी। दरअसल हर एक ने तो नहीं नहीं राय साहब, उद्घाटन तो आप ही के हाथ से होगा क्योंकि इस शहर में आप जैसे महत्व वाला और है कौन। बात ये, मैं जरा इन बातों से कुछ। हेलो जी, जी हाँ है, एक मिनट। वकील साहब, हाँ जी, देखिए वकील साहब, जहाँ तक हो सके कॉम्प्रोमाइज की कोशिश कीजिएगा। जी नहीं, केस मत कीजिए, एक मौका और दीजिए ना गरीब को। अच्छा अच्छी बात। हाँ प्रीतम दास जी, आपके स्कूल के सेंटर जी है, देखिए इनका शिकायत जरूर की जाती है। जी बहुत 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 शुक्रिया। और फ्रीदा जी, आप एक हफ्ते के लिए ठहर? राय साहब हफ्ता क्या, एक साल ठहर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए चला आया था। राय साहब फिर उद्घाटन में? हाँ उद्घाटन के लिए जैसे आप लोगों की मर्जी मैं आ जाऊँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी मतलब आपने दवा खाई? दवा खाते खाते तो जी उठा गया। देखिए आपको दिल का दौरा फिर पड़ जाएगा। और मुलिन जी, और जरा दवाई ले आना। आधा बजे हुजूर। मैंने कहा आधा बजे हुजूर। आओ इस लिबास में तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है हुजूर। किसी ने कोट दे दिया और किसी ने टोपी, तभी हम गरीबों की आप जैसे रईसों तक पहुंच हो जाती है, वरना दरबान अंदर घुसने न दे हुजूर।
पिताजी आदमी कौन है? ये जब भी आता है आप सब कुछ भूल जाते हैं। इंसान की मजबूरी याद आ जाती है। बेटा तुम तो जानते हो यहाँ कितने लोग आते हैं और अपने अपने नसीब का ले जाते हैं। पिताजी मैं तो आपसे ही मेरी दवा दवा रहना है। अरे तेजा सिंह, तेजा सिंह, सारे हिसाब में गड़बड़ करती। तुम्हारी सफाई ने तो सारे घर की तबीयत साफ कर दी है। बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। बहादुर जी टेबल साफ कर। अच्छा जी। अरे इधर आ बहादुर, नीचे साफ कर। सीमा अलमारी में कपड़े रख दिए ठीक से? हाँ हाँ। अरे ठीक से साफ करना, सुबह साफ कर या सुबह साफ कर। अरे चल पहले ये साफ कर। तुमको तो कूड़े करकट में बैठने की आदत हो गई। चल यहाँ बादू, ये तो ठीक कैसे होगा। अरे इधर साफ कर ये। हाँ हाँ ऐसे इधर इधर कर, ऐसे साफ किया। कुर्सी साफ करना, उसके बाद सोफे पर फिर से हाथ मारना और स्टूल पर चढ़ के वो बत्ती का कांच बिल्कुल साफ कर देना। मैं समझ गया समझ गया। दरवाजे खिड़की सब साफ कर लेना, अभी जाता हूँ। सीमा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूँ और तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी एक अधूरा ख्वाब है। वो जो कल मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ पढ़ा है आज उसी का जवाब दे रहा हूँ। और सपन, सीमा क्या है माँ? ये सपन कौन है? अरे हाँ एक लड़का है क्लब में। क्यों तुम उससे रोज मिलती जुलती हो ना? हाँ माँ रोज मिलती हूँ। जब ही किताबों में चिट्ठियां आ जा रही हैं। चिट्ठियां? हाँ चिट्ठियां। कितना नाम रोशन कर रही है अपने खानदान का। ले पढ़ अपने करतूत पढ़। प्यार की गेंद खेली जाती है क्लब में। कितने शर्म की बात है अपने माँ बाप का नाम उछाल रही है। मुझे तो पहले से ये क्लब लग ही पसंद है लेकिन मेरी कौन सुनता है। जब नाक कटेगी तब पता चलेगा। माँ ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ऐसी कोई बात नहीं होती तो ये चिट्ठी क्यों आती? यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, उसने क्या समझ कर लिखा है। हेलो सीमा। सुनी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। किस बारे में? मोहब्बत के बारे में मिस्टर सपन। आपको मुझसे प्यार हो गया है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? लीजिए पढ़िए। मैं जब से तुम्हें देखा है मैं अपने आप को भूलता चला जा रहा हूँ। किसी शरीफ लड़की को इस तरह से लिखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे लव लेटर भेजो? लेकिन ये मेरी राइटिंग होगी, ये गलत है, ये सब झूठ है। बिल्कुल सच है। जिस दिन सही हो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। मैं शुरू से मार कर रही हूँ। तुमने हालात बनाए, हादसे पैदा किए, यहाँ तक के गलत तरीके से मेरे पास आने की कोशिश की। आखिर क्यों? सीमा तुम्हें गलत फहमी हो गई। गलत फहमी मुझे नहीं तुम्हें हो गई है कि अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हो। किसी लड़की को चाहने से पहले अपनी शक्ल देख लिया करो शीशे में। समझो लेकिन बात को सुनिए। खबरदार अगर तुमने फिर कभी छेड़ने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे आखिर वही हुआ ना जो मैंने कहा था। यार मुझे पूरा यकीन था कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिल गया ना। आखिर तुम्हारा खेल मेरी इज्जत से खेल गया। चार आदमियों में हंसी उड़ गई। तुम्हारी जिद ने वो दिन दिखाया कि अपनी सूरत भी किसी को नहीं दिखा सकता। माफ कर दे यार गलती हो गई। मुझे क्या पता था वो इतनी बददिमाग निकलेगी।
सोचा था क्या और क्या हो गया। पढ़ी लिखी चाहल गई। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात का है कि जो कुछ कहना था मुझे अकेले में कह दिया। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था। कोई बात नहीं दीपक, ये जो सबके सामने अपनी पारसाई दिखा गई है ना, महंगी पड़ जाएगी। सारे अंदाज भुला दूंगा। आज नफरत कर रही है, कल मोहब्बत करनी पड़ेगी। सीमा, तुम मेरी आंखों की नींद हो या मेरे ख्वाबों की ताबीर, तुम इस कायनात की एक हसीन तस्वीर। ऐ जाने जहां, तू अपने आशिक नामुराद की फरियाद तो सुन। तेरा इकरार मेरी जिंदगी है, तेरा इनकार मेरी मौत। हाय अल्लाह, छोड़ो मोरी बहिया, कहीं लचक ना आ जाए। पसंद आया? नहीं यार, बिल्कुल पसंद नहीं आया। तेरा तो बिल्कुल थिएटर वाला अंदाज, घबराहट ज्यादा और कुछ जज्बात मेरे कम नजर आए। मालूम होता है कि हम दोनों का जुनून। मुझे भी ऐसे ही लगता है, मगर यार कल की रिहर्सल तो बहुत धस हुई थी। चलो चलो। सीमा, ये कौन सी मोड़ आ गई है जहां भूलने की कोशिश में तुम्हें याद कर रहा हूं। कितनी दूर जाकर भी कितनी पास आ गई हो ये तुम्हें क्या मालूम। मेरे ख्वाबों के झरूकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। प्यारे लाल जी, सिंगल चाय में डबल आदमी ऐसा कब तक चलेगा? अबे तू देख तो सही, मैं कितनी जल्दी चाय को बिरयानी में तब्दील करता हूँ। दुनिया में हर चीज की कमी होती जा रही है, लेकिन इश्क की बीमारी ऐसी स्पीड पकड़े हुए है कि जवान छोड़ बुढ़े और बच्चों में भी शुरू हो गई है। लेकिन प्यारे लाल जी, तुम इसमें क्या तीर मार लोगे? मैंने क्लब के सेक्रेटरी को पता लिया है, कल प्रोफेसर बीएनआर चौबे बनकर मोहब्बत पर वो स्पीच झाड़ूंगा कि यहाँ पर आशिकों की लाइन लग जाएगी। इसलिए कि दुनिया में हर बीमारी के लिए डॉक्टर मौजूद है, लेकिन इश्क का इलाज करने वाला कोई नहीं, सिर्फ प्रोफेसर बीएनआर चौबे। आशिकों, प्रेमियों एंड प्रेमिकाओं, जिस सब्जेक्ट का मैं चैंपियन हूं उसका नाम है मोहब्बत, प्यार, लव। और प्यार के जितने मतवाले गुजरे हैं उनको दुनिया जानती है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी पामक अदरक, लैला मजनू, शीरी प्रहार, हीर रांझा एंड रोमियो जूलियट, लेकिन ये सब नाकाम आशिक थे। यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अगर मैं इनके जमाने में पैदा होता या ये लोग मेरे जमाने में पैदा होते तो फिर मैं देखता कि ही को राजा, वामिक को अदरा, शीरी को फरहाद, मजनू को लैला एंड जूलियट को रोमियो कैसे नहीं मिलता। फॉर योर इंफॉर्मेशन इन ब्रॉडकास्टिंग, मैंने वेटिंग रूम से लेकर बेडरूम तक मोहब्बत के हर पहलू पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि आजकल का प्रेमी ही अन्नाड़ी है और उसका सबब है तालीम। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल की तालीम निकम्मी है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मालूम होता है आप मुझे गवर्नमेंट से लड़ाना चाहते हैं। मेरा मतलब है मोहब्बत की तालीम। इस कोने में क्या खुसुर खुसुर हो रही है? प्रोफेसर साहब, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? यस। आपने किसी से मोहब्बत की है? बिल्कुल की है। पैदा होते ही दूध से, बचपन में चुस्मी से, लड़कपन में खेलकूद से, जवानी में एक दीवानी से और बुढ़ापे में माल पानी से। चौबे साहब, अगर महफिल में शमाना होती तो परवाने कहाँ जाते? म्युनिसिपैलिटी का लैंप संभालते, सरकारी बत्ती। चौबे जी, मोहब्बत कब रंग लाती है? क्या कहा? मोहब्बत कब रंग लाती है? जब दोनों के घर वालों को पता चल जाए। अरे जवाब। यहाँ तो फ्री सवाल चालू।
होते हैं। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ठहरिए ठहरिए चौबे जी, मेरे भी एक सवाल का जवाब देते जाइए। अगर कोई बदमाश लड़का किसी मासूम लड़की के पीछे पड़ जाए तो ये सवाल नहीं प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम के लिए प्रोफेसर डीएनआर चौबे के मकान पर आना पड़ेगा। पता नोट कर लो, 421 माल रोड। माल रोड 421, ठीक है। अब कहाँ जाएगा? नारे महापा जिंदाबाद, प्यार जिंदाबाद। अरे जल्दी लंच ला भाई। वेरी गुड। ये क्या है? मैं क्या करूं? होटल वाला पटा नहीं, चने वाला पट गया था। चने वाला पट गया था, ये धंधा तो आपने समझ में नहीं आया। चाय पाव से चने पे आ गए सर। अबे खाते वक्त बात नहीं करते, शुरू हो जा। अरे बात क्या करने का, नहीं कर्जा बजाय उतरने की चढ़ता जा रहा है। अपने तो समझ में नहीं आया, दाढ़ी मूंछ के चक्कर में कहीं। अबे दाढ़ी मूंछ के चक्कर से तो बच रहे कर्जदारों से, वरना मुसीबत हो जाती। बराबर देख लेना, कोई कर्जदार नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक नहीं, दो दो बकरे। अच्छा, पर छोड़ दो ना, बहुत कर्जा बना है। अबे इस कुरो को ऐसा टाइप करना चाहिए कि आटे मार नहीं खाए, वरना इस कुरो फिनिश हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। तू जा, मैं संभाल लूंगा। बुला बुला आइए। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग। कौन है ये? प्रोफेसर साहब, हमारा एक केस है। अपॉइंटमेंट लिया था? राइट। तुम्हारा नंबर अगले महीने की 15 तारीख को आएगा, बड़ी हेवी बुकिंग है। मगर बॉस जी, मेरे खास आदमी है, आपको इनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा बॉस। अच्छा अच्छा, मैं पेशेंट का दिल नहीं तोड़ सकता, अपना उसूल तोड़ सकता हूँ। उसूल तोड़ना? एक्स्ट्रा चार्ज 5 रुपए। ये मुझे मंजूर। मंजूर है, तो फिर कुर्सी पकड़िए, आइए। मेरा नाम सपन है। और मेरा नाम दीपक। लेकिन मैं दो केस एक साथ हैंडल नहीं करता। केस तो सिर्फ मेरा है, ये मेरे दोस्त हैं। ये भी साथ में रहेंगे? जी हाँ। एक्स्ट्रा आदमी, एक्स्ट्रा चार्ज 5 रुपए और। मंजूर है भाई। प्रोफेसर साहब, बात ये है, एक लड़की ने मेरी बेइज्जती की है। अकेले में या सबके सामने? सबके सामने की है। यू मीन खुला खचा? केस बहुत टेढ़ा। केस, एक्स्ट्रा चार्ज 5 रुपए और। ऑटो मार खा रहा है जी। मैं बदला लेना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, कुछ ऐसा बोल बताइए कि उस लड़की को मुझसे मतलब हो जाए। लेकिन तुमको उससे ना हो, यानी कि वो ट्रेजरी सॉन्ग है और तुम ट्विस्ट करो, वो रात भर चांद देखती रहे और तुम सूरज निकलने तक सो। बिल्कुल यही चाहिए। मैं समझ गया कि शराब तुम पियो, नशा उसको चढ़े। उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। उल्टी गंगा, एक्स्ट्रा चार्ज 5 रुपए और। नेवर माइंड, हम ये चाहते हैं किसी तरह हम अपने प्रोग्राम में कामयाब हो। जरूर जरूर। अब सिर्फ एक पॉइंट बचता है, वो ये कि हमारा हिसाब जो है वो वॉशिंग की तरह है। इसे अर्जेंट चाहिए कि ऑर्डिनरी? अर्जेंट। अर्जेंट की डबल फीस। फीस की चिंता मत करो। तो आप फार्मूले की चिंता मत कीजिए, भरे पड़े हैं। ये देखिए फार्मूला ही फार्मूला, आपको सूट करता है फार्मूला नंबर 47। ये लीजिए, बंद लिफाफा ले जाइए और मुरादों की झोली भरिए। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, थैंक यू, थैंक यू। अरे अरे जी भाई जी, मिस्टर। अरे भाई साहब, बिल तो देखे जाइए, ये रहा 90 रुपीज। चलो ज्यादा तो नहीं। अरे ठीक है भाई, 10, 20, 30, 40, 50, 60। मेरी पगार अपनी बैंक में जमा हो रही है। स्वीटहार्ट से मिलने का टाइम हो गया, जा मुर्गी का ऑर्डर कर गया।
माचिस है? सिगरेट पीने का छोड़ के माचिस चला के करो। जवाब तीनों भाषाएं बोल के अंग्रेजी हिंदी उर्दू किसी का तो जवाब दो। ओहो उस दिन तो देखती भी नहीं रुख जिधर का है और सबसे जुदा उसूल तुम्हारी नजर का है। तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, चलना फिरना मुश्किल कर दिया। तिले बेताब तमन्नाई है, आओ आओ यूं न मचला करो, लिल्लाह करम फरमाओ। कहाँ चले ठहरो तो, एक बात तो सुन लो मेरी। मैं ये कहता था, नहीं कुछ नहीं कहता, जाओ। मैं तुमसे हजार बार कह चुकी हूँ मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है। और मैं तुमसे हजार बार कह चुका हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। ओहो अरे मिलाती हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। नहीं लग रहा अब मजा आए तो बगैर ब्रेक के जा रहा है। साहब इस तरह अकेले घूमना ठीक नहीं है, जमाना आजकल बहुत खराब है, समझी? इस नसीहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा कि सपन ने उस लड़की का हाथ उस गुंडे के हाथ से छुड़ा के उसे इतने मुक्के मारे कि वो दुम दबा कर भाग गया। कैसी लड़की, क्या सपन, कि तुम क्या कह रहे हो? उस लड़की के जाने के बाद पता नहीं चार पांच गुंडे कहीं से आ गए और सपन को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी हड्डी पसली सीधी कर दी। बेचारा डॉक्टर भी घबरा गया था। क्या वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं? बहुत ज्यादा। इनका एड्रेस क्या है? शांति निवास, माउंट एवरेस्ट रोड, बच्चा बच्चा जानता है।
मैं अभी आया।